वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आपको हैप्पी रिपब्लिक डे 26 जनवरी की बहुत सारी बधाइयाँ। और आज हमारी एक राइड है 26 जनवरी की, जो हर साल हम करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त की, हमारे UBA ग्रुप की। तो आज वो राइड है, लगभग 8:30 बजे चालू हो जाएगी राइड। तो मैं जाता हूँ, रेडी होता हूँ, और वीडियो में तो आज बने रहना क्योंकि आज तो थोड़ा सा अल्ट्रा होने वाला है। अल्ट्रा कैसे होगा, क्योंकि आज मैं ड्रोन शॉट्स और 360 व्यू यानी 360 कैमरे का भी यूज़ करूँगा अपने ब्लॉग के अंदर। और आज बहुत सारी भीड़ है, मतलब और दिन तो मैं 2-3 लोगों के साथ ब्लॉग बनाता हूँ, यानी जब हम राइड करते हैं तो 2 या 4-5 लोग होते हैं। आज लगभग अच्छी खासी भीड़ होने वाली है, लेकिन यह है कि थोड़ी सी भीड़ पहले के मुकाबले कम होगी, क्योंकि आज बाहर जो वेदर है ना, मैं आपको वेदर दिखाता हूँ बाहर। सॉरी, पूरा फॉगी। तो फॉग के कारण लोग कम आ सकते हैं। तो जल्दी से मैं देर ना करते हुए तैयार होता हूँ और आपको मिलता हूँ सीधे बाइक पे। फाइनली तो मैं रेडी हो गया हूँ और फ़ोन भी आने लग गए हैं, लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि जो ये मेरा GoPro है ना, ये साला दिक्कत ना करे, क्योंकि यह हमेशा अपना दिखा जाता है और मुझे अपने कैमरे की डायरेक्शन भी सेट करनी है। ओहो, ये तो वाइब्स अलग है। हमारे जो राइड है ना, चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, इस राइड में तो सारे लड़के पहुंच जाते हैं, भले और राइडों में नहीं पहुंचते, पता नहीं क्यों, इसमें तो अलग ही पंप रहते हैं। तो अभी हम रुक गए हैं चाय ब्रेक के लिए, और यह है कुमाऊनी रसोई। ओहो, कुमाऊनी रसोई। तो अभी हम कुमाऊनी रसोई में रुके हैं और यहाँ हमारा अभी चाय और मैगी ब्रेक है, और इसके बाद फिर हम आगे को जाएंगे आपका भीमताल वाली रोड से होते हुए लमगढ़ वाली रोड पे। कहाँ से? TSC कैफे में आ गए। सो अभी हम जाएंगे ऊपर को, और ऊपर को शायद हम एक बार आए हैं जहाँ का इधर का ब्लॉग भी बनाया था मैंने। तो ऊपर जाते हैं और उसके बाद बनाते हैं एक ड्रोन शॉट। तो 1, 2, 3 ड्रोन शॉट। तो यहाँ से अब हम जाएंगे आगे की तरफ, और उसके बाद हमारा जो स्टॉप है वो है मचान। तो चले। तो यहाँ जिसने फ्यूल पंप करना, मतलब फ्यूल भराना अपनी गाड़ी में, तो वो अपना फ्यूल भराएगा। और बाकी उसके बाद मुझे तो एक ड्रोन शॉट और लूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम धाम हो जाएगा। जब हम वहाँ पहुँचेंगे अपने लोकेशन पे मुकेश सर, तो उसके बाद फिर ड्रोन शॉट लेंगे।
फिलहाल अभी तो कोई 200 पी लेंगे। तो अभी हम मुख्तसर से पहले पहले रुके हुए हैं और बहुत तगड़ी ठंड है। ये साला मर गया, इसका तो मतलब इसके भरोसे में रह नहीं सकता क्योंकि ये हमेशा धोखा देता है। और हमने यहाँ लाइनअप कर रखी अपनी बाइकें और तंदूरी वाजवान जो इस रेस्टोरेंट में भी हम खाना आएंगे। एक छोटा सा व्यू दिखाऊंगा आपको आगे से, वो देखो बर्फ, बाबा बर्फ, कितनी बर्फ है, हल्की हल्की बर्फ है क्योंकि बर्फ जो है पिघल गई है। और यहाँ हम मैगी वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर आगे को जाएंगे। ड्रोन शॉट लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि हल्की हल्की बर्फ है तो ड्रोन शॉट लेने का मतलब बनता है नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं, अगर मूड बना तो ड्रोन शॉट भी लेते हैं। कितनी प्यारी हवा चल रही है, और अगर आपको व्यू दिखाऊं पीछे का तो सी कितनी प्यारी पहाड़ है, खुले पहाड़ दिख रहे हैं। और वो जो पहाड़ है ना उसके पीछे है हिमालयन व्यूज, तो यहाँ से दिखता है हिमालयन व्यूज। और सामने देखोगे तो हल्की हल्की बर्फ गिरी हुई है, तो पहले तो ज़्यादा बर्फ थी लेकिन दो दिन में बर्फ पूरी पिघल गई है। कार्तिक भाई, हाँ सर, बताओ कुछ बताओ, बस वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बर्फ पड़ी हुई है, हमें तो हमें उससे ऊपर जाना है। धानाचुली से वापस आएंगे, हम धानाचुली से वापस आएंगे और हमको मिलेगी धानाचुली में बर्फ, तो क्योंकि वहाँ बर्फ गिरती है। लेकिन वहाँ का एक डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ बर्फ जो जल्दी पिघल जाती है, मे भी हमको ज्यादा बर्फ वहाँ दिखे। होप एक दिक्कत हो गई थी, मैंने कुछ ड्रोन शॉट लेने के लिए ड्रोन को उड़ाया था तो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी और उसका लोकेशन बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था कि वो गया कहाँ। लेकिन जब वो गिर रहा था तो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बना ली थी, उस क्लिप से जो मेरा गोप्रो है, सॉरी ड्रोन है, वो बच गया। और अभी वो किसी लोकल बंदे को मिल गया था तो वो भैया अभी ले के आ रहे हैं। होप सो कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो और ड्रोन को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन मेरी रियली बहुत गंदी तरीके से फट गई थी कि एक अच्छी ट्रिप में गए थे और ऐसा नुकसान हो गया, लेकिन बच गया। अब वो ड्रोन मिल जाए और उसको हम चेक करते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है। अब रिएक्शन देखना, बहुत गंदी हालत हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा गंदी हालत। क्यों, कैसा था मेरा रिएक्शन भाई? रिएक्शन मिल गया यार, मिल गया। खाना भी नहीं खाया, मेरे इतनी गंदी हालत हो गई थी, मैं क्या बोलूं, मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि यार एक अच्छी ट्रिप में आए और एक इतना खासा अच्छा खासा नुकसान हो गया। ड्रोन का इंतजार हो रहा है सबको, सबको गिर गया था बस, सब रिएक्शन लेने के लिए वेट कर रहे हैं और मेरा रिएक्शन, मेरे अपना रिएक्शन लेने के लिए वेट कर रहा हूँ। तो ड्रोन मिल गया है तो भाई के पास है, थैंक यू यार भाई, बहुत थैंक यू। कुछ हुआ इसको? चेंज करके फिर उड़ाओ एक बार। कुछ हुआ? दिल को आया सुकून, कुछ नहीं। तो नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है, अच्छी है तुम्हारी, तो किस्मत बहुत बढ़िया है कि ड्रोन मिल गया है। और भाई नाम क्या है? भास्कर। तो ये भास्कर भाई है, यहाँ से अब हम चल रहे हैं वापस, मतलब आगे की तरफ, और स्नोफॉल हो रही है, हल्की हल्की स्नोफॉल होने लग गई है और खुशी है कि मिल गया ड्रोन। और सी स्नोफॉल हो रही है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, थोड़ी देर में और बढ़ने लग जाएगी, देखो बढ़ने लग गई, इट्स अ लाइव स्नोफॉल। अभी हम रुके थे रॉयल मार्ट और हिल्स रॉयल हिल्स बेकरी, तो ये मेरे कस्टमर भी हैं और मेरे विजय जो है विजय के मामा का मॉल है, तो यहाँ तक भी हम जाएंगे मुक्तेश्वर मंदिर और
उसके बाद वापस सी से हम नीचे उतरेंगे। तो यहाँ तो हो गया अपना खर्चा, ड्रोन मिलने की खुशी में बिल पड़ गया मेरे सर पे। तो यहाँ हमने पेटीज खाई बस, और अब यहाँ से नीचे ऊपर को चल रहे हैं। तो यहाँ हमने अपना क्लीनेस वाला जो इवेंट था वो हमने कर लिया है, और हवा तो बहुत तेज चल रही है। ड्रोन शॉट भी हमने ले लिए यहाँ के, और कुछ खाया भी नहीं है। अभी क्या करेंगे, अब यहाँ से हम जाएंगे वापस हल्द्वानी को धाना चली वाले रास्ते से। हो सका तो मैं कुछ शॉर्ट्स लूँगा, अगर नहीं हो पाया तो सीधे आपको घर पे मिलेंगे और वहाँ इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो ये डस्टबिन वाला बर्तन जो हमने कचरा जो उठाया था प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक मैसेज है कि जहाँ आप कूड़ा कर रहे हो, मतलब आप पहाड़ों को आ रहे हो तो वहाँ कूड़ा ना करो उसके लिए। और प्लीज़ जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसको शेयर करिएगा। तो मैं घर पहुँच गया हूँ और यहाँ काम चालू हो गया है, अभी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो केपी हेलो कर रहा है आपको, तो हेलो। तो पहुँच गया हूँ, हालत मेरी ऐसी हो रही है, जूते पूरे गंदे हैं, बस मैंने अभी जैकेट चेंज करी है, कपड़े वगैरह बदलता हूँ और एडिट वगैरह करता हूँ। तो मे भी पॉसिबल रहा अगर आज वीडियो पूरी हम एडिट कर लेते हैं तो कल मॉर्निंग डल जाएगी, वरना परसों मॉर्निंग तक यानी 27 तक ये वीडियो डल ही जाएगी। तो यहाँ तक आपने मेरी ये वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और इस वाले वीडियो में तो भाई बहुत कुछ अल्टीमेट हो रखा था, तो शायद आपको बहुत कुछ पसंद भी आया होगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, लिंक कहीं पे आ रहा होगा, बस फॉलो करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को देवभूमि मोटर ब्लॉग। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।